हेमाली, ये किसका कुकर है? ये क्या लिखा है आई? ढब्बूड़ी प्रेशर कुकर। ढब्बूड़ी? अरे अपना ही प्रेशर कुकर है ये। ढब्बूड़ी प्रेशर कुकर मेरे पापा की कंपनी का है। हाँ। लेकिन ये अपना कुकर नहीं है। इसका मतलब है इनके पापा के कंपनी के प्रेशर कुकर बिकते भी है। हाँ, जा जल्दी किसका है पूछ के। हाँ? हाँ। जाना। हाँ? जाना बाबा पूछ के आना। चंदू। हाय। गजरा पहनाने आया था तो पहना? ले। ये काम तो तुझे ही करना है। गजरा पहना। क्या आपको हमारा सोफा खरीदना है? अरे भैया ये सोफा हमारा है। हा? अरे कितने में लिया था दुबे जी? 25,000 रुपए में। 35,000 ले लो कैश, सोफा हमारा हुआ। देखिए हमारी बात समझिए। 40,000। अरे आप समझते क्यों नहीं है? 45,000। अरे भाई साहब आप मेरी बात तो सुनिए। अच्छा 50,000 में डील फाइनल, ओके ठीक। अरे ऐसे कैसे फाइनल, ये सोफा हमारा है, हमें नहीं बेचना है। आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि बेचिए बेचिए? अच्छा क्यों नहीं बेचना? हमारे फर्नीचर से मैचिंग है। हाँ। अच्छा एक काम करो, फर्नीचर का भी भाव बोलो। मतलब मारी रूपमती को पसंद आ गया ना सोफा, तो फर्नीचर भी साथ में ही ले लूंगा। डील फाइनल करो, कितने दूं टोटल पीसे बताओ। अच्छा कल को उठ के रूपमती भाभी जी को हमारा फ्लैट पसंद आ गया तो वो भी खरीद लूंगा। भाई मारी रूपपति ने जो चीज पसंद आ जावे वहीं पे बात खत्म, मैटर क्लोज, डील फाइनल। क्या हुआ चंदू भाई साहब? जी ये सोफा हमारा है। हाँ गलती से इनके पास आ गया है। ओ। रूपमती भाभी जी को हमारा सोफा पसंद आ गया है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि पैसे ले लो और हमें दे दो। तो दे दो। अरे हाँ? हाँ? अरे ऐसा कैसे दे दो भाभी, आपको ये सोफा पसंद आया है? हाँ। ये सोफा अच्छा लगा? ये तो बिल्कुल एकदम पुराना लग रहा है भाभी जी। इसका कलर तो देखो कितना डार्क कलर है। अरे इसमें बैठेंगे तो चश्मा लग जाएगा। हाँ? मैं तो ये सोफा नहीं लेता। नहीं, आपको लेना है तो ले लो, नो प्रॉब्लम। सुनो जी, मारे को भी ये सोफा इतना पसंद को नहीं। मतलब रंग देखो ना कैसा डार्क है, और चमक भी कोई ना। अरे तू चमक वमक छोड़, ये बता तुमने पसंद है कि बेकार है? के है? बेकार है। बेकार है दुबे। हाँ। ले जा सोफा। हाँ। ले जाओ ले जाओ। चलो मैं तो चलता हूँ। अरे मैं ये पूछने आया था, ये कुकर आपका है? ना ना भाई। आपका है? मारा ना है। नहीं नहीं हमारा भी नहीं है। हाँ नहीं है। देखता हूँ और किसी को पूछ लेता हूँ। लेकिन आप ये खरीदना बता। दुबे जी बेकार है सोफा, निकालो। आओ हाथ लगाओ जरा। अरे तुम इसे ऊपर क्यों ले जा रहे हैं, यहीं पे रख देते, कल वो टीवी वाला आएगा और फिटिंग कर देगा। अरे क्या हुआ? मेरे हाथ पे चोट लग गई है। बहुत
टेंशन हो रहा है। इससे I'll just relax. नहीं। आ जाओ, आराम से। छोड़ो। नहीं, छोड़ो, 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 हाँ, छोड़ो, हाँ, छोड़ो, मिर्ची। मुरारी लाल? अरे मुरारी लाल नहीं, मूलचंद लाल। अरे मूलचंद लाल नहीं, मीरचंदानी। अरे वही, मूलचंद हो या मीरचंदानी, अरे आप पति है या हैवान? Well, I will. अरे अपने पत्नी का हाथ तोड़ रहे हो? नहीं चंदू भाई। नहीं नहीं भाभी आप चुप रहिए, आप उनको कवर मत कीजिए। अरे स्त्री हमारे लिए लक्ष्मी सरस्वती का रूप है, हम उनकी पूजा करते हैं और आप इनको अपमानित करते हैं, आप तो शर्म नहीं आती? देखिए मिस्टर गंगाराम, गंगाराम तो मेरे बाबा है, मेरे जगह पे अगर बाबा होते उन्होंने ये देख लेता तो आपके कान के नीचे चमाट लगाते फट है। कान के नीचे चमाट, ये क्या बोल रहे हैं? चिल मिर्ची चिल। चंदू भाई ये मेरा हाथ नहीं मरोड़ रहे थे। हाँ। अरे ये मेरा हाथ नहीं मरोड़ रहे थे, दर्द हो रहा था उसे ठीक कर रहे थे। हाँ? आ नहीं, हाँ। पूरी बात सोचे समझे बिना आगे इंटरफेयर करने हस्बैंड वाइफ के बीच में। मैं इंटरफेयर करने नहीं आया था, ये कुकर के बारे में पूछने आया था। देखिए हमें कुकर नहीं खरीदना, थैंक यू। अरे नहीं मैं इसको बेचने नहीं पूछने आया हूँ, ये आपका है क्या? धपूड़ी? हाँ? नहीं नहीं ये हमारा नहीं है। गलती से इसका ढक्कन आपके पास आया? ना ही इसका ढक्कन है हमारे पास और ना ही इसकी सीटी। ओके इज दैट क्लियर? बचती भी नहीं, चलने दीजिए। सब नहीं नहीं। हाँ वो 2 BHK के फ्लैट है ना, बहुत बढ़िया, आग बंद करके ले लो, कंफर्म। कमलेश तो ढक्कन ढक्कन मिल गया कुकर का, लेकिन कुकर ही नहीं मिल रहा है। ये आपका है? हाँ। अरे थैंक यू चंदू भाई। अरे चंदू भाई हमारा कुकर आपके पास था? अरे बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई है। अरे आप खड़े क्यों है, बैठिए ना। किधर बैठेंगे अब आप? नहीं नहीं रहने दीजिए, हमारे घर में यही सीन है, अपने ही घर में बैठने के लिए जगह नहीं, सब खड़े खड़े घूम रहे हैं। क्या कपिल भाई? नहीं कपिल मेरे बड़े भाई साहब है। कौस्तुभ भाई? नहीं कौस्तुभ दुबई में, भारत में वन एंड ओनली वन कमलेश कैम्पारुल। हास तो बड़ी। कमलेश? कमलेश कमलेश दोनों का मीनिंग सेम है, कम लेस है, कमलेश कमलेश। बस बस ध्यान में रहे, क्या नए नए रहने आए तो नाम की थोड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रूपल भाभी? रूपल नहीं पारुल। पारुल 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 पा 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 पाव किलो का पा, रूल बोले तो नियम नियम पारुल, बस बस पारुल जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो अच्छी बात है कमलेश। वो जरा बर्तन का बॉक्स है ना वो किचन में लेके आओ। हाँ हाँ चल मैं निकलता हूँ। हेलो हाँ एक मिनट रुकना, वो चंदू भाई वो पारुल को वो बर्तन। अरे क्यों रे? बहुत बढ़िया फ्लैट है यार, सोना है सोना है, तो हर एक रूम में गैलरी है वो भी ग्रिल के साथ। हाँ तो सबकी ट्रॉफी है सिर्फ मेरी नहीं। आ जाएगी बेटा तुम्हारी ट्रॉफी भी आ जाएगी। अरे एक मिनट। अरे इसकी चाबी कहाँ है? चंदू के पास है। चंदू कहाँ है? वो प्रेशर कुकर लौटाने गए हैं, लेकिन 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आए। हाँ तो फिर चंदू प्रेशर कुकर में चावल दाल उबाल कर दाल चावल बनाकर परोस कर खाना खिला कर आएगा। बाबा मगर आप क्यों इतने उबल रहे हो? क्योंकि तुम्हारा बेटा हमारा हमारा बेटा किसी को ना बोलता ही नहीं है, हाँ बोलकर मदद कर रहा होगा।
मेरा नहीं है, ये आपके लिए है। ओ। हाँ अच्छा है, अच्छा है। का अच्छा है? अरे कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। हाँ तो बिल्डर ने पोजीशन आज काहे दिया है? देवकी हमारे घर में पूजा का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। यही बात है। हाँ। तो ठीक है ना, कल पूजा करवा लेते हैं और हमारे सारे पड़ोसियों को भी बुलवाएंगे। हाँ हाँ, हाँ सबको बुला लेना। अरे कुंदन जी मालिक, कल अपने घर में पूजा है, सबको आमंत्रण दे के आना है, ठीक है? जी मालिक। कुंदन जी मालिक, यू कटेले जा रहा है लादे मने। जी। अरे सुन तो जी, सबको बहुत सलीके से आमंत्रण देना है, पहले प्रणाम करियो फिर आमंत्रण दियो। हाँ। समझ गया? अरे इसमें भी बाल खुजावे है यो। समझे है ना गुरु जी? समझ गया? समझ गया मालिक। हाँ। ये क्या कर रहे हो? मेरे मालिक ने कहा है बड़े सलीके से आमंत्रण देना। हाँ? किस बात का आमंत्रण? कल हमारे घर पूजा है। हाँ तो? तो आपको और भाभी जी को सहपरिवार साथ में आना है। ओह ऑफ कोर्स हम दोनों आएंगे। हेलो, कहाँ ले जा रहे हो? घर पे। अरे क्यों? झूला हमारे तो हमारे घर पे ही ले जाऊंगा ना। देखा देखा तुमने, डिसिप्लिन ही नहीं है। अरे कुंदन ये क्या लेके आया? चंदू भाई हाँ? एक मिनट पकड़ो। क्या 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 हुआ क्या? हाँ। ए क्या कर रहे हैं? कल हमारे घर पे पूजा है। हाँ तो? आप सभी के लिए आमंत्रण है। अच्छा तुम लोगों में झूला लेकर इनविटेशन देने जाते हैं क्या? नहीं नहीं बाबा, ये झूला लेकर मैं नहीं निकला था, दरअसल वो मीरचंदनी साहब के घर पे हमारा झूला रह गया था तो मैंने देखा तो ले लिया। अरे कुंदन, अरे पहले इन्विटेशन देने का बाद में झूला लेने का। हुआ क्या? सुपर आइडिया, सुपर आइडिया। मैं अभी सबको आमंत्रण देकर आता हूँ। कुंदन, कल दुबे जी के घर में भी पूजा है, कमलेश भाई के घर में भी पूजा है और अपने घर में भी पूजा है। घाटकोपर में? नहीं यहाँ अपने घर में। हाँ। कल मेरे पापा का फोन आया था, बोले ढबुड़ी कल का मुहूर्त एकदम बेस्ट है, पूजा करवाई लो। माली अब तुम हसमुख भाई को बोल दो, पापा को बोल दो कि अब तुम्हें ढबुड़ी न बुलाए क्योंकि इस ढबुड़ी का अभी ढबुड़ी हो गई है। छोड़ो ना, कल सबके घर में पूजा है तो कौन किसके घर में जाएगा? हाँ। कोई किसी के घर नहीं जाएगा। केवे रहते हो जाए। देखिए कल आप सबके घर पे पूजा है। हाँ? पक्का है? हाँ? वो पूजा कैंसल। क्यों? हाँ? What? है? अरे ये बात कर रहे हो चंदू भाई साहब, पूजा कैंसिल मतलब? पूजा कैंसल। अरे पर चंदू भाई हुआ क्या है, क्यों नहीं होगी? हाँ? देखिए भाभी हमारे घर में पूजा रहेगी तो हम एक दूसरे के घर जा पाएंगे क्या? इसीलिए हमने तय किया है अगर आप सबको मंजूर हो तो। हाँ। कि हम सब मिलकर कन्वेंशन हॉल में पूजा करेंगे, क्या कहते हो? अरे वाह माली भाभी, क्या चोखो सोचो है आपने। यस यस गुड आइडिया। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। पारुल हमारा खर्चा भी कम होगा। फिर ठीक है चंदू भाई साहब, सारे मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं
और प्रसाद जो पूजा का है वो हमारे घर से आवे को। चलो तो ये फिक्स, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। चलो काम पे लग जाते हैं, चलिए। चलो चलो चलो, आ गया सामान। पंडित जी, जो जो सामान आपने मंगवाया था सब आ गया। ठीक है बेटा। पंडित जी सब ठीक है, क्या हुआ? क्या करूं बेटा, ऑटो से आ रहा था, ऑटो वाले ने ऑटो गड्ढे में डाल दिया, कमर खिसक गई। बेटा इस हवन कुंड को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे साकल सामग्री डालने में परेशानी आएगी। कुंदन एक काम कर, बाहर जाके देख हवन को हाइट देने के लिए कुछ मिलता है क्या। हाँ मैं भी चलता हूँ। हाँ चल। प्रॉपर पार्टी होगी यार, वो घर सेट नहीं हुआ ना, इसकी वजह से इतना डिले हो गया। अरे मैं तो पूरा एक मिनट। कुंदन ये क्या कर रहे हो? वो पंडित जी ने कहा है कि हमें हवन कुंड के नीचे हाइट देनी है, तो हाइट ढूंढ रहा हूँ। हाँ तो एक काम करो ना, मेरे घर में कुछ बेकार बॉक्सेस पड़े हैं, कोई अच्छा लगता तो ले लो। हाँ क्या वीर सिंह? अरे वही तो। पूजा पूजा में जा, हाइट मिल गई। अच्छा ठीक है। अरे क्या हुआ, आज आपका आदमी आने वाला है ना, कब आएगा? एक मिनट। क्या मिर्ची? हाँ। मैंने बुलाया। सुनो कुंदन। हाँ। बहुत सारे बेकार बॉक्सेस पड़े हैं वहां पर, तुम कोई भी ले। जी। अरे आपने बोला था 10 बजे आएगा, कहाँ है? सपने नहीं। कुछ भी हो आज मेरा टीवी फिट हो जाना चाहिए। ओके ये मजबूत है। हाँ हाँ पूजा मैं ही करूंगा। क्या? हाँ हाँ समय पर पहुंच जाऊंगा। अरे पहुंच गया। अब पंडित जी ये चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। लगा दो। अरे मैंने बोला ना मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ 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 सामग्री वगैरह रख ले। अरे लगा दे। कुंदन उस पे लाल कपड़ा डाल दे। पंडित जी ये ठीक है? ठीक है, ये ठीक है। अब जजमानों को बुला लीजिए आप लोग, थोड़ी देर में हम पूजा शुरू करेंगे। जी जी। हाँ। मैं भी चल। हाँ। अरे टीवी कहाँ चला गया? क्या सर टीवी ही नहीं है और आपने मुझे बुला लिया? पूरे गांव से अंधेरी जा रहा था और आपने अर्जेंट कॉल करके मलाड बुला लिया। टीवी ही नहीं है, अब मुझे मलाड से वापस अंधेरी जाना पड़ेगा। डिसिप्लिन ही नहीं है। टीवी ऐसे कैसे गायब हो सकता है? लास्ट टाइम कौन आया था? ओ राज सिंह का नौकर कुंदन। अरे रूपमती कहाँ रह गई? अरे सारे लोग आ लिए होंगे पूजा खातर, तेरे को तैयार होने में पता नहीं कितने घंटे लग जावे हैं। बस जी आगे आगे। हाँ। आई चलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर राज सिंह। राम राम भाई साहब। अरे कुंदन भाई साहब आओ पधारो पधारो भाई, करो चाय ले चाय ले। नो थैंक यू, मुझे एक्चुअली आपसे कुछ पूछना था। अरे जो मर्जी पूछ लो। अरे आप तो हमारे यहाँ मेहमान बन के आए हो और मेहमान तो हमारे लिए भगवान जैसा है, बोलो के सेवा करूं, जान हाजिर है आपके लिए। नहीं नहीं जान की जरूरत नहीं है, मुझे अपना LED टीवी चाहिए। टीवी वो शायद आपके घर में? ना 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 ना, मारी रूपमती को तो ऐसा कुछ पसंद ना आया था। हमारे यहाँ ऐसा कोई सामान नहीं है, और जिसका जो सामान था ना भाई वो हमने उसके घर वापस पहुंचा दियो। लेकिन आपका वो कुंदन बेवकूफ कुंदन वो 2-3 बार मेरे घर आ चुका है, उसके बाद मुझे अपना LED टीवी नहीं मिल रहा।
मतलब यो है कि मारे कुंदन ने थारा एलईडी चुराया है? हे मारा राम जी, ना ना भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप समझे नहीं, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि वो शायद गलती से यहाँ पर लेकर आ गया हो, इसलिए बस मैं पूछने आया हूँ। गलती से मतलब थंबनेल उसके ऊपर डाउट है? नहीं नहीं, देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, वो लास्ट में मेरे घर पर आया था, तो बस चेक करने के लिए आपसे पूछने आया था। मुझे किसी पे डाउट नहीं है, इट्स ओके। ना ना, इट्स नॉट ओके। आपने डाउट है ना कि आपका टीवी हमारे घर में है, आपने शक है ना, तो आपको तलाशी लेनी पड़ेगी हमारे घर की। तलाशी ले। अरे छोड़ दीजिए, यू कैन लीव माय हैंड। वीर के बापू क्या कर रहे हो? छोड़िए सर। हैं? अरे तो भाई साहब। ये राज सिंह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? चंदू अभी तक क्यों नहीं आया? आ गए बाबा। चलो सब तैयारी हो गई। पंडित जी आपको क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, ऑटो से आ रहा था, रास्ते में ऑटो वाले ने ऑटो गड्ढे में डाल दिया। तो कर पाएंगे ना? अरे जजमान, हवन कमर से नहीं मुंह से करना है, वो तो मैं कर ही लूंगा। अब ये बताइए कि पहला जोड़ा कौन बैठेगा? अरे चंदू भाई साहब और भाभी जी, आप दोनों ही बैठ जाओ पहले। नहीं भाई साहब, एक काम कीजिए, राज सिंह आप और दुबे जी आप बैठिए। नहीं, मेरा मतलब है दुबे जी और भाभी बैठेगी। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है दुबे जी और मेरी भाभी, मतलब हमारी पत्नी देवकी। अरे नहीं नहीं चंदू भाई, हम एक काम करते हैं, मीर चंदानी भाई को बिठाते हैं पूजा। शू मगज मारी छे भाई, अच्छा मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पारुल और मैं बैठ जाते हैं पूजा में, केम पारुल? आज तो आइए आइए आइए। चलो तो अब शांति हवन शुरू करते हैं। जी। ओम वक्रतुंड महादाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्न वक्रतुंड देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मैं तुम्हें कितनी बार बोला है ये रिंगटोन मत चेंज किया करो। मैंने नहीं बदला। तो क्या आवाज आ रहा? पुलिस आ गई यहाँ पे।